हेलो फ्रेंड्स, आज हमने ब्रेड का रसमलाई बनाया है, वो भी ये हार्ट शेप में। देखिए कितना अच्छा बनकर ये दिख रहा है। आप लोग इसे एक बार ज़रूर बनाएं। ये बहुत ही आसान रेसिपी है, ये झटपट बनने वाला स्वीट्स है। अगर घर में कुछ मीठा खाने का मन करे, कुछ ना हो, तो ब्रेड से ये रसमलाई बना सकते हैं। बहुत ही ये आसान है बनाना। ये देखिए हमारा ब्रेड रसमलाई कितना अच्छा बना है, कितना ये स्पंजी है, सॉफ्ट है। आप लोग इसे एक बार ज़रूर ट्राई करें। इसके लिए हमने आधा लीटर दूध लिया है, उसमें हमने एक पैकेट मिल्क पाउडर ऐड किया है, दो पैकेट MTR बादाम मिक्स ड्रिंक पाउडर ऐड किया है। इससे टेस्ट बहुत अच्छा आता है, फ्लेवर भी बहुत अच्छा आता है। हमने दोनों पाउडर को आधे लीटर दूध में मिक्स कर दिया है, और कुछ हमने केसर डाले हैं जिससे कलर बहुत अच्छा आता है। अब इसे हम 15-20 मिनट के लिए धीमी आंच पर उबालेंगे और इसे चलाते रहेंगे जब तक ये हल्का गाढ़ा ना हो जाए। इधर हम ब्रेड लिए हैं, अब हम जिस शेप में हमको रसमलाई बनाना है उस शेप में हम काट लेंगे। इसे हमने तो हार्ट शेप में बनाया है, इसलिए इसे हम हॉट शेप में काटते हैं। ये बहुत अच्छा दिखता है। ये देखिए कितना अच्छा कट गया हमारा। ये बहुत आसानी से कट जाता है, तो आप जिस शेप में भी बनाना चाहें उस शेप में आप काट सकते हैं। ये देखिए हमने सारे ब्रेड को कट कर लिए हैं हॉट शेप में, और अब जो ब्रेड हमारा ये बच गया था उसे हम अच्छी तरह तरीके से मिक्स कर लेंगे। अब उसका हम क्रीम तैयार करते हैं अंदर में भरने के लिए। इसमें हम 2 चम्मच ड्राई फ्रूट्स का पाउडर ऐड करेंगे, काजू बादाम का ये पाउडर है जो हमने पहले ही बना कर रखा था। इसमें हम स्वाद के लिए चीनी ऐड करेंगे, थोड़ा मीठा अच्छा लगता है। और हमने जो रसमलाई का दूध गाढ़ा किया है उससे हम इसे मिक्स करके इसका हम क्रीम तैयार कर लेते हैं। अच्छे तरीके से इसे हम मिक्स करेंगे। ब्रेड है उसमें हम जब वो मिल्क ऐड करते हैं तो ये बहुत अच्छे से ये क्रीम बन जाता है। ये देखिए अभी ये हम ब्रेड जो हार्ट शेप का ब्रेड काटे हैं उसके अंदर हम बीच में ये भरेंगे, ऊपर से फिर हम एक ब्रेड को ऊपर से रखेंगे। इसका टेस्ट और फ्लेवर बहुत अच्छा आता है रसमलाई का। सारे ब्रेड को हम इसी तरह तरीके से भर लेते हैं। ये देखिए कितना अच्छा दिख रहा है। सारे ब्रेड को हम भरकर इस ट्रे में सजा लेंगे। इधर हमारा दूध भी गाढ़ा हो गया है, अब इसे हम ठंडा होने के लिए रख देंगे। और ठंडा होने के बाद जो हमने ब्रेड तैयार करके रखे हैं रसमलाई के लिए, अब हम धीरे धीरे उस पर वो गाढ़ा दूध रसमलाई वाला हमें उसमें डाल देते हैं। ये देखिए कितना अच्छा कलर आया है। अब हम सारे दूध को इसमें डाल देंगे। 5 मिनट में ये हमारा फूल कर तैयार हो जाता है, सॉफ्ट हो जाता है। ब्रेड है इसलिए ये बहुत जल्दी सॉफ्ट हो जाता है। हम सारे दूध को इस तरीके से डाल दिए। अब इसे हम कुछ ड्राई फ्रूट से गार्निश कर लेते हैं। आपके पास जो भी है ड्राई फ्रूट्स उससे आप गार्निश कर लें। हमने काजू और बादाम से गार्निश किए हैं। तब तक ये फूल रहा है, 5 मिनट में अच्छी तरीके से वो दूध सोख लेता है। ये देखिए कितना अच्छा से हमारा अच्छा दिख रहा है गार्निश करने के बाद हमारा रसमलाई। अगर आपको हमारा वीडियो ये अच्छा लगा हो तो लाइक कर दें मेरे वीडियो को, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। आप लोग ये रेसिपी एक बार ज़रूर ट्राई करें, बहुत ही जल्दी बन जाता है ये और बहुत ही टेस्टी लगता है। ये देखिए कितना अच्छा बनकर तैयार हुआ है, कितना सॉफ्ट है। ओके बाय, फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू।